पुलिस उपमंडल आनी के नए डीएसपी अनिल कुमार ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। उन्होंने नवंबर 2019 से बतौर डीएसपी सेवाएं दे रहे जितेंद्र वर्मा को अनिल कुमार इससे पूर्व एनआईए दिल्ली में बतौर इंस्पेक्टर और फिर बतौर डीएसपी सेवाएं दे रहे थे। 2011 से 12 में आनी में बतौर एसएचओ सेवाएं दे चुके अनिल कुमार ने आनी के डीएसपी पद संभालने के मौके पर शुक्रवार को ही प्रेस टैक्सी यूनियन और पिकअप यूनियन के नुमाइंदों और सदस्यों के साथ मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था कायम रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में आम जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने पिकअप और टैक्सी यूनियन के नुमाइंदों से उनकी समस्याओं और मांगों को सुनना और समाधान पर विचार विमर्श किया। डीएसपी अनिल कुमार ने टैक्सी पिकअप ट्रक बस और निजी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ वे सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि कस्बे में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनिल कुमार ने कहा कि समाज को नशे ने जिस तरह से खोखला कर रखा है उसके खिलाफ भी जनता के सहयोग से मुहिम छेड़कर नशे के सौदागरों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि आने के किरण बाजार से लेकर दिव्य लोक पब्लिक स्कूल तक सड़क के दोनों किनारे पर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करने दी जाएगी, जबकि पुराने बस अड्डे और नए बस अड्डे के पास लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट चिन्हित कर दिए जाएंगे, जबकि पुराने बस अड्डे में केवल खरीदारी करने, बैंक और ऑफिस में काम करने वाले लोग, पर्यटकों आदि को कुछ समय के लिए गाड़ी पार्क करने की इजाजत दी जाएगी। ऐसा का प्रचलन चला है, इसको हमें रोकना है, क्योंकि अधिकतर लोग कॉलेज स्कूल उसके इर्द गिर्द या बाजार इत्यादि में जो ये बेच रहे हैं, इससे हमारे जो बच्चे हैं उनका करियर खराब हो रहा है। पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देके नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है, इसे रोकना है और जो इसको बेच रहे हैं उनको पकड़ना हमारा प्राथमिकता रहेगी। सेकेंडली है कि जो अनेक क्षेत्र में यातायात का जो बड़ा एक समस्या मुश्किल जैसा हो गया है कि आम तौर पे जो है हर टाइम जो है जाम लग रहा है, उस जाम को जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हम कोई ठोस कदम उठा रहे हैं जिसका हम जल्दी समाधान कर देंगे, ताकि अन्य के लोगों को, अन्य क्षेत्र के लोगों को कोई ऐसी ट्रैफिक की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई जाम की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका हमने आज जो हमारे पास यहाँ आए थे पब्लिक आई थी, टैक्सी यूनियन वाले, ट्रक की एक टेम्पो यूनियन वाले आए थे और प्रेस वाले आए हैं, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैडम जी आए हैं, रोहतर जी और भी आए हैं व्यापार मंडल के, उनके साथ मिल के हमने इसको शॉर्ट आउट कर लिया है। और तीसरा जो कानून व्यवस्था इसको बनाए रखने के लिए हम कड़े कदम उठाएंगे, चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, जो गलत होगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बाकी मेरा यही है कि आम लोगों से, जनता से ये प्रार्थना है कि वो हमें सहयोग करें, पुलिस को सहयोग करें, ताकि हम अपना काम अच्छे ढंग से कर सके, कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, नशे को हम कंट्रोल कर सके, यातायात सारा जो है कोई जाम जुम ना लगे, यही हमारी आम जनता से अपेक्षा है। और हम भी अपने लोगों को जो हमारे पर विश्वास है हम उस पर अच्छे कायम रह सकें, उनका विश्वास बना रहे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से हरिकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।